वरिशा कहाँ है? अपने कमरे में है। सजाद से मेरी बात हुई थी, वो तो कह रहा था कि तुम उसकी तरफ गए ही नहीं। कहाँ थे तुम सारी रात? मेरी जासूसी करने के बजाय अगर तुम अपना ये दिमाग अपनी बेटी की तरबियत पर लगाओ ना, तो उसकी जिंदगी भी संवर जाए और तुम्हारी भी। लेकिन नहीं, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। आराम से जाना जरा। वो तुम्हें हमजा का कातिल समझ रही है। तुमने वरिशा से कुछ कहा है क्या? मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरा खेल खराब करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। आराम से, मैं तुम्हारा खेल क्यों खराब करूंगी? मुझे क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम्हारी लाडली तुम्हारे अलावा किसकी सुनती है? एक तुम और वो हर वक्त अपनी मनमानी करते हैं। और हाँ, जाकर देखो क्या कोई बेवा सोग मना रही होगी जो वो अपने बॉयफ्रेंड के मरने का मना रही है। अच्छा बेटा, ये सब क्या है? डैड प्लीज, इस वक्त नहीं। बेटा ये दुख मलाल रंज किस बात का? जो किस्मत में लिखा था वही तो तुम चाहती थी, फिर क्यों ये हाल बनाया हुआ है? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। यही तो चाहती थी मैं डैड, मगर दिल नहीं मान रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हमजा मेरा नहीं हो सकता, सारा का क्या बल्कि किसी और का ना हो सके। लेकिन अब जब ये हो चुका है तो इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसे नहीं सहा जा रहा। तो देख लो, हमजा किसी का भी नहीं है, बल्कि हमजा कहीं भी नहीं है। बेटा ये आंसू बहुत कीमती है, इन्हें यूं मुफ्त में मत बहाओ। इन्हें वहां बहाना जहां इनकी मुंह मांगी कीमत मिलेगी। हमजा अब इस दुनिया में नहीं है तो फिर वो तुम्हारे दिल और दिमाग में क्यों है? हमजा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? ऐसे कैसे मुमकिन है? अगर मुझे ये बात कोई और बताता तो शायद मुझे भी इतना ही ताज्जुब होता जितना तुम पे हो रहा है। लेकिन यकीन जानो, ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी। वरिशा जो कुछ बीजान से कह रही थी और जिस अंदाज में कह रही थी, मेरे तो होश ही उड़ गए। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। मुझे तो अजीब घबराहट हो रही। लेकिन इतनी सफाकी से झूठ बोलना, ये तो कोई अच्छी आदत नहीं है भाभी। कि मैं और तुम कह रहे हैं, लेकिन बहन जैसी औरत से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? वो क्या सिखाएगी अपनी बेटी को? तो आप मुख्तार भाई से बात करें ना, उन्हें बताए ना सारी बातें। ये तो आग में हाथ डालने वाली बात है। तुम अच्छी तरह जानते हो अपने भाई को। और शीनी, जब से वरिशा हमारे घर में आई है ना, मुख्तार और बीजान का रवैया ही बदल गया है। ऐसे में अगर मैं उनसे ये सब कुछ कहूंगी तो
पता नहीं क्या समझेंगे, मुझे ही गलत समझेंगे वो तो। हाँ लेकिन आप कब तक पर्दा रखेंगी उसका? इस तरह तो फरीशा को और शय मिल जाएगी ना। आज एक झूठ बोला है, कल दूसरा बड़ा झूठ बोलेगी। तुम ठीक कह रही, मुझे तो वहाज की बात सच लग रही है। वो ठीक कह रहा है कि हमसे कोई ना कोई बात छुपाई जाएगी, और महक ने हमें जो कहानी सुनाई है, हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें क्या सच है और क्या गलत? तुम खुद ही देख लो, अचानक से महक आ गई और वरीशा को हमारे हवाले कर गई, और अब जब उसका दिल चाहता है किसी ना किसी बहाने से उसे घर बुला लेती है। हाँ आप जो भी कहें, है तो वरीशा की माँ ना। भाभी ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी बहुत बड़ी मजबूरी के तहत वरीशा को बीजान के पास छोड़ा हो, लेकिन माँ है इसलिए सारा वक्त उसका दिल तो अपनी बेटी में ही लगा रहेगा। मैंने भी फील किया था जब वरीशा आई थी ना यहाँ पे, बिल्कुल अलग थलग थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो एडजस्ट नहीं कर पा रही, सबके साथ मिलजुल के नहीं रह पा रही। ठीक कह रही हो तुम, एक दो दिन से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अल्लाह हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन। आई एम प्रीटी श्योर आप खामोखा में ओवर थिंकिंग कर रही हैं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और हाँ मैं तो आपसे नाराज हूं, ये क्या आपने नई रस्म निकाल ली है? ये क्या बातें कर रही हो तुम, घर की बात है ना, और घर में इसलिए मैंने दावत रख ली कि घर का माहौल जरा अच्छा हो जाए और मेरी शिफा खुश हो। है कहाँ ये? इशल के साथ गई है अपने ऑर्डर्स के सिलसिले में, फिर कह रही थी कि वहाज के साथ उसका प्लान है, लेट हो जाएगी आज। बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि शिफा और वहाज एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। अल्लाह मेरे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाए। आमीन।